हेलो स्टूडेंट, मैं नीतू कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय नीतू मैम। आज का वीडियो है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग अलग बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि हमारे पास एक फाइल क्रिएट किया हुआ है जिसमें कुछ क्वेश्चन टाइप्स किया हुआ है। अब ये फाइल में मेरा टोटल 16 पेज है जिसमें बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए ऐसे तो हमारे पास ऑप्शन है पेज बॉर्डर का, जहाँ से हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि जब भी हम एक पेज में बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो वो 16 पेज में हो जा रहा है। यानी कि एक पेज में नहीं करना है, करना तो हमको 16 पेज में ही है, लेकिन अलग अलग बॉर्डर अप्लाई करना है। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो एक पेज में जो बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं वो सेकेंड पेज में भी हो जा रहा है। तो इस चीज़ को आज हम लोग देखते हैं कि एक पेज में एक बॉर्डर यूज़ करते हैं तो उसको दूसरे पेज में कैसे चेंज करते हैं और तीसरे पेज में कैसे चेंज करते हैं, यानी जितना पेज है उतने तरह का बॉर्डर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहला ऑप्शन हम लोग का पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर पे आना है, एक बॉर्डर पहले सिंपल सा हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो भी अप्लाई करना है। ये देखिए कि टोटल पेज में हमारा अप्लाई हो चुका है। अब फर्स्ट पेज में हमको यही बॉर्डर रखना है, लेकिन सेकंड पेज में क्या करना है तो चेंज करना है। तो फर्स्ट पेज में आना है और देखिए कि हमारे पास एक ब्रेक का ऑप्शन है, ब्रेक में आना है और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। क्रसर हमारा नेक्स्ट पेज में आ चुका है। अब हम लोग को पेज बॉर्डर पर आना है और यहाँ पर हम लोग को बॉर्डर चेंज कर लेना है। आप जो बॉर्डर लेना चाहते हैं वो बॉर्डर ले सकते हैं। उसके बाद अप्लाई टू, तो हम लोग को अप्लाई टू सेक्शन में करना है, क्योंकि जो हम लोग ब्रेक से ऑप्शन यूज़ करते हैं उसका एक अलग सेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को डॉक्यूमेंट ना लेकर दिस सेक्शन अप्लाई करना है, यहाँ से ओके करना है। देखिए कि अभी जो फर्स्ट पेज में बॉर्डर था वही सेकेंड पेज में भी था, लेकिन अभी क्या हो चुका है तो चेंज हो चुका है। अब इसके बाद सारे पेज में यही बॉर्डर आ गया है। फिर से अगर आपको चेंज करना है तो फिर से सेकेंड पेज में आना है, ब्रेक पर आना है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। अब हमारा क्रसर नेक्स्ट पेज में आ गया, पेज बॉर्डर पे आना है और यहाँ से बॉर्डर को क्या कर लेना है तो चेंज कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ डॉक्यूमेंट में आना है और यहाँ से दिस सेक्शन यूज़ कर लेना है। ओके, देखिए कि आपका पेज बॉर्डर क्या हो चुका है, तो हर एक पेज में अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर आप जहाँ पर भी चाहते हैं वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी जो ये लास्ट का बॉर्डर है ये सारे पेज में, सारे पेज में क्यों है, क्योंकि जैसे ही हम लोग एक पेज के बाद दूसरा पेज लेते हैं तो वो एक सेक्शन क्रिएट हो जाता है और जितना भी पेज लेते जाते हैं वो एक ही सेक्शन में आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेक्शन चेंज करते हैं तो उसका सेटअप चेंज हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका सेक्शन चेंज हो जाता है तो आप उसके बाद कोई भी सेटअप को अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो वो जो नया पेज इसके बाद आता है वो एक ही सेक्शन में आता है। जब तक आपका सेक्शन चेंज नहीं होता है तब तक आपका एक ही स्टाइल ऑल पेज में अप्लाई होते जाएगा। तो आप लोग इतना उम्मीद कर सकते हैं कि जब भी हम लोग को अप्लाई करना हो किसी भी प्रकार का जो स्टाइल है उसके लिए हम लोग को एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, जो सेक्शन आपका ब्रेक में ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहां से ऑप्शन को यूज़ करके देख सकते हैं। देखिए यहां पे सेक्शन ब्रेक, ये क्या करता है तो ब्रेक कर देता है किस चीज़ को, सेक्शन को। यानी अभी हम लोग 10 पेज लेते हैं तो उसका सेक्शन क्या है तो एक ही में, लेकिन जैसे ही हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं तो ब्रेक मतलब क्या, तोड़ दे रहा है, सेक्शन को अलग कर दे रहा है। अब सेक्शन अलग हो जा रहा है तो ऑलरेडी है कि आपका जो भी वर्क है यानी स्टाइल अप्लाई हो रहा था वो अलग अलग हो गया है। तो आप जो भी अप्लाई करेंगे वो आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।